हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर कहाँ हम इसे शहर के बाहर ढूंढ रहे थे और ये यहाँ कनौजी नगर में खड़ी थी। हाँ लेकिन इसके मिलने से एक और सवाल खड़ा हो गया। क्या सर? गाड़ी का नंबर प्लेट येलो है। हाँ सर, इस कार को पता और टैक्सी यूज किया जा रहा था, क्योंकि अगर चेंज करना ही था तो पूरा नंबर प्लेट चेंज करते या कार का कलर चेंज करते ताकि टैक्सी पहचान में ना आए। लेकिन विनोद ने जो गाड़ी के पेपर्स दिखाए थे उसमें कमर्शियल यूज के बारे में कुछ नहीं लिखा, लिखा था कि गाड़ी प्राइवेट है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गैरेज ओनर विनोद हमें घुमाने के लिए कोई कहानी बना रहा हो, ट्रांसफर सिर्फ एक बहाना हो, असल डील किसी और ही बाकी हुई हो। पर चलेगी ना, नैन मौके पे धोखा तो नहीं देगी। अरे चलेगी, एकदम धाए से चलेगी। एक काम करो, आरटीओ से क्रॉस चेक करो कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्या था, और अगर सही निकले तो शहर में जितनी भी कैब कंपनीज हैं सबके साथ चेक करो कि गाड़ी किस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड थी। सर आरटीओ ऑफिस से पता चला है कि गाड़ी का ट्रांसफर कमर्शियल यूज के लिए करवाया गया था, परमिट लीगल है, एक प्राइवेट कैब कंपनी है राइट कैब्स, मनीषी कार वहीं पर रजिस्टर्ड थी। मैंने सारी डिटेल्स रागिनी को दे दी। इस कार का ओनर मनीष सोलंकी वांटेड है, उसकी कार आपके कंपनी में कब से रजिस्टर्ड है? मैडम जनवरी 2019 से रजिस्टर्ड थी, पर इसकी लास्ट एंट्री 20 मार्च 2019 की है। मतलब? मतलब कि इस गाड़ी का अकाउंट 20 मार्च 2019 के बाद लॉगिन नहीं हुआ, यानी कि इस गाड़ी ने 20 मार्च 2019 के बाद कोई सवारी नहीं उठाई। मैम अच्छा, और इस कैब का रजिस्टर्ड ड्राइवर कौन था? एक मिनट मैम, ध्रुव साहू। बहुत सी पहेलियों के सुलझने के बाद अब मनीष सोलंकी की असल कहानी सामने आ रही थी। मनीष ने एक कार खरीदी थी और वो उसे बतौर टैक्सी इस्तेमाल कर रहा था, पर मनीष ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। मनीष ने गाड़ी क्यों खरीदी और फिर अपनी गाड़ी को ऐसे बीच रास्ते पर क्यों छोड़ दिया? अब पुलिस के पास एक नाम था, ध्रुव साहू, जो शायद इन सारे सवालों के जवाब दे सकता था, पर फिलहाल ध्रुव साहू गायब था। Please try again later. Thank you. सर, राइट कैब कंपनी से पता चला है कि मनीष की कार को ध्रुव साहू नाम का ड्राइवर चला रहा था। कैब कंपनी से ध्रुव साहू का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिला, जो फिलहाल स्विच ऑफ। और इसके घर का एड्रेस? सर रागिनी गई है वहां टीम लेके। सुनो, कोई खबर लाया या फ्री की चाय पीने आया? क्या साहब, अब भी? पर इस बार ऐसी खबर लाया हो कि आप खुद चाय के लिए पूछोगे। फिर इस ध्रुव का नंबर भी ट्रैकिंग पे डाल दिया, जैसे ऑन होगा वैसे इसकी लोकेशन पता चल जाए। चलो साहब, आप गर्म खबर है, मुझे डबल मर्डर की सुपारी थी ना, उसके बारे में पता चल गया। क्या पता चला है? किसने उठाई थी सुपारी? अब मुझे कॉल आया था, उसने बताया कि उसे सुपारी उठाने वाले के बारे में तो नहीं लेकिन सुपारी देने वाले के बारे में पता था। ए, बात को घुमा मत, सीधे सीधे बोल, क्या बताया उसने? अब हम लोग सही सोच रहे थे, मामला प्यार का है। जो लड़का मरा ना आशाद, उसके नाम की सुपारी उठी थी, और जो लड़का गायब है मनीष, सुपारी उसने दी थी, वो आशाद को मरवाना चाहता था। सर किसने दी सुपारी? लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने, उसे लड़की चाहिए थी। और ये खबर देने वाला कौन? तब नाम तो नहीं बताया उसने। सोनू अपने नेटवर्क को और टाइट कर, किसी भी हालत में मुझे मनीष सोलंकी चाहिए, छोटी से छोटी बात को भी नजरअंदाज मत। ये खबर क्यों आई हमारे? वो भी इतने खुफिया तरीके से। हाँ सर, वो भी ऐसे सोनू को फोन करके खबर देना, इस खबर पे हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है सोनू को कॉल करने वाला ये जानता होगा कि हम भी मनीष को ढूंढ रहे हैं, और हमें भी यही लगता है कि सुप्रिया और असद को मनीष ने अपनी दीवानगी की वजह से मारा हो। खबर देने के लिए इतनी मेहनत, बात कुछ और ही है, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, या ऑलरेडी हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और कॉल करने वाला यही चाहता है कि हम इस रास्ते से हटे नहीं, हम बस इसी थ्योरी के इर्द गिर्द घूमते रहे। असल बात जो है वो हमारे जहन में ही ना है। अब तक ये मनीष, सुप्रिया और असद की कहानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और नाम भी है इस कहानी में जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो छूट रहा है हमसे? ध्रुव
उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है, लगता है उसे पुलिस आने की खबर मिल गई होगी। कल रात तक तो उसका फोन चालू था लेकिन आज सुबह से बंद है। लेकिन ये ध्रुव हमसे भाग क्यों रहा है? हो सकता है ये मनीष के साथ मिला हुआ हो और उसी के साथ भाग रहा हो। नहीं, एक काम करो, आसपास पता करो ध्रुव के बारे में। मनीष की गाड़ी तो काम पे जानी रही थी, तो इस बीच ध्रुव कहाँ था, क्या कर रहा था? यस सर। ध्रुव साहू को जानते हो, तुम्हारा पड़ोसी? जी मैडम, क्या हुआ? इस वक्त कहाँ मिलेगा, कुछ पता है? मैडम इस वक्त तो वो काम पर होगा। कहाँ काम करता है? ध्रुव ड्राइवर है, पास में PK&D ट्रेवल एजेंसी है, तो उनके लिए गाड़ी चलाता है। ध्रुव साहू कहाँ मिलेगा? ध्रुव क्यों, क्या हुआ मैडम, उसने कुछ किया है? यही तो पता करना, ध्रुव कहाँ है? जी परसों रात को एक सवारी को लेकर मुंबई गया था, वैसे तो आज सुबह तक उसे वापस आ जाना चाहिए था, पर जब मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन ऑफ था, मुझे लगा थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके जाने के बाद कोई कांटेक्ट, कोई फोन वगैरह? नहीं मैडम, सवारी को छोड़ने के बाद उसने कल सुबह मुझे फोन करके बताया था, उसके बाद से कोई बात नहीं हुई और मेरे भी दिमाग से निकल गया। पर मैडम आप लोग उसे ढूंढ क्यों रहे हो? ध्रुव परसों रात मुंबई के लिए निकला था, उसके बाद उसका कुछ भी पता नहीं। वो टूर्स एंड ट्रेवल्स के ओनर अभय ने ध्रुव से आखिरी बार बात कल सुबह की थी। उसकी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट क्या कहती है? सर ध्रुव की लास्ट लोकेशन मुंबई में जोगेश्वरी एरिया थी, दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ। अगर ध्रुव अपने क्लाइंट को लेकर मुंबई गया था तो इसका मतलब साफ है कि मनीष ध्रुव के साथ तो नहीं है, लेकिन अभी तक मनीष और टैक्सी के बीच का मिसिंग लिंक ये ध्रुव ही है। इस ध्रुव का हमारे लिए मिलना बहुत जरूरी है। ध्रुव के घर के बाहर एक कांस्टेबल तैनात है, PK&D ट्रेवल्स की दुकान पर भी निगरानी रखी है और उसका फोन तो ट्रैकिंग पर है ही। तो ध्रुव के वापस आते हमें पता चल जाएगा। मेरा मनीष कोई खून कर ही नहीं सकता, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, बेटा है वो मेरा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। क्या हम सच में मनीष को जानते हैं लता? मैं उसके लिए पुलिस से लड़ता रहा, कहता रहा कि हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, हमें विश्वास है उस पर। आज पता चल रहा है कि वो हमसे झूठ बोलता रहा। MBA कोचिंग के नाम पर हमसे 2 लाख रुपए लिए और उसकी गाड़ी खरीद ली, एक लड़की को प्रपोज किया और उसके इनकार करने के बाद भी उसके लिए ज्वेलरी खरीदता, और अब जबकि उस लड़की की लाश मिली है तो पुलिस कह रही है कि मनीष ने उसका मर्डर किया, उस लड़की सुप्रिया और उस लड़के असद का। तुम अभी कहोगे कि हम मनीष को जानते हैं? बोलो लता, बोलो, बोलो, हम मनीष को जानते हैं। पापा देखिए, आप हिम्मत मत हारिए और हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। आनंद, उसे रातों रात 10 लाख रुपए चाहिए थे, हमने मनीष से कभी सवाल नहीं किया लेकिन करना चाहिए था। तुमसे 1,30,000 रुपए लेकर वो फरार है और हमारे पैसों पर वो अपने जुर्म से भाग रहा है। तुम कसम खाओ, कसम खाओ लता कि अगर उसका फोन आया तो तुम छुपाओगी नहीं, उसके लिए अच्छा होगा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है, आपको, पुलिस को, सबको गलत फहमी है। मैं कह रही हूं कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। हेलो, हाँ फोन बनता, चार्ज किया तो ऑन किया अभी। पुलिस? हाँ अहमदाबाद के बाहर हूँ। ध्रुव अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था और उसे ये खबर मिल चुकी थी कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्या ध्रुव और मनीष दोनों ने मिलकर ये खून किए थे? इस केस का सच बाहर आना अब भी बाकी था, और वहीं असद और सुप्रिया के परिवार वालों को उनकी हत्या का कड़वा सच स्वीकार करना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहब हैं, मुझे मिलना। आप कौन? मैं ध्रुव, ध्रुव साहू। वो शायद मुझे ढूंढ रहे हैं। साहब मैं मुंबई से लौट रहा था, मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रात बहुत थी, सुबह तक इंतजार करना पड़ा, फिर कैसे भी करके कोई मैकेनिक ढूंढा, गाड़ी ठीक करवाई, पूरा दिन निकल गया मेरा, फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी,
मैकेनिक के पास फोन चार्ज किया तो अबे भाई का फोन आया। वो बोलने लगे कि आप लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, सीधी गाड़ी खड़ी करी मैं और यहाँ पर आ गया आपके पास। तेरी गाड़ी सच में खराब हो गई थी या फिर भागने की फिराक में था? साहब मैं क्यों भागने लगा, गाड़ी सच में खराब हो गई थी, नहीं तो मैं सुबह पहुंच जाता यहाँ पर अहमदाबाद में। पर साहब हुआ क्या है, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे आप? मनीष सोलंकी कहाँ है ध्रुव, क्या हुआ, क्यों क्यों गया? सब पता है हमें, मार्च तक गाड़ी चला रहा था तो उसकी। हाँ साहब मैं मनीष की गाड़ी चला रहा था पर जैसा कि आपने बोला मार्च तक, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। आखिरी बार कब मिला था मनीष से? कुछ 3 महीने पहले जब मैं गाड़ी खड़ी करने गया था उसके यहाँ पर। जान पहचान कैसे हुई थी तेरी उसके साथ? साहब वो मेरे पुराने ऑफिस के पास रहता था जहाँ पर मैं गाड़ी चलाता था पहले। पीकेएनडी एजेंसी? नहीं साहब, मार्च जेटनी ट्रेवल्स, वो वहीं पर ही आता था गाड़ी भाड़ी पे लेने के लिए, तभी हमारी बातचीत होने लगी, जान पहचान हो गई थोड़ी सी। अच्छा तो बस ऐसे ही आते जाते तेरी जान पहचान हो गई उसके साथ, पर उसने अपनी गाड़ी थमा दी तेरे हाथ में चलाने। सिर्फ आते जाते नहीं साहब, दरअसल मनीष टैक्सी चलाने के बारे में काफी कुछ जानना चाहता था, बस उसी चक्कर में हमारी बहुत सारी बातें होने लगी। दिन का कितना कमा लेते हो? अपनी गाड़ी नहीं भाई, नौकरी करता हूँ, 15,000 बन जाता महीने का, यानी हर दिन का 500। हाँ और मालिक कितना कमा लेता है इस टैक्सी से? मोटी रकम ही कमाता होगा भाई, पता नहीं कितने कमाता है, फिर भी कोई अंदाजा तो होगा। अभी यार 15,000 रुपए मुझे देता है वो, 20,000 पकड़ लो तुम पेट्रोल और मेंटेनेंस का। अब आदमी 35,000 रुपए खर्च कर रहा है तो 35-40 तो बचता ही होगा उसके ऊपर से। 40,000 का प्रॉफिट? हाँ भाई इतना तो बनता ही होगा, नहीं गाड़ी खरीद के धंधे में लगाना क्या फायदा है ना, तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं बस ऐसे ही। तब उस दिन तो कुछ नहीं बताया उसे, पर कुछ दिन बाद फोन करके गैराज में बुलाया। क्या हो मनीष भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? जैसे कि इम्पोर्टेंट काम है, एक गाड़ी को जरा चला कर देगी इसके अलग ठीक है या नहीं। पर क्यों, गाड़ी किसकी है? अरे यार तू सवाल बहुत करता है, ये ले चाबी, चला सब बताता हूँ बाद में। गाड़ी की कंडीशन सही है? हाँ भाई गाड़ी एकदम सही है, पर मामला क्या है? कुछ नहीं, गाड़ी को खरीद करके आप कंपनी में लगाने की सोच रहा हूँ, क्या बोलता है, सही रहेगा? कैब? भाई कहाँ इन सब चक्रों में पड़ रहे हो आप? अरे चक्कर वक्कर कुछ नहीं है, सीधा बिजनेस है, गाड़ी ड्राइवर चलाएगा, मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे। अब ये बता कि गाड़ी मेरी हुई तो क्या तू चलाएगा? तुझे कितने मिलते? 15? मैं 18,000 दूंगा। हाँ चलाएंगे ना भाई बिल्कुल। साहब मनीष लड़का अच्छा था, पैसे अच्छे दे रहा था, अब मैं भला क्यों मना करने लगा, उसने गाड़ी खरीद ली, मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी उसकी। मनीष लड़का अच्छा था, पैसे भी अच्छे दे रहा था, तो फिर 3 महीने पहले तूने उसकी गाड़ी चलानी बंद क्यों की? साहब मनीष को धंधे की असलियत दिखाई दे गई थी, धंधा उसे जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, ऊपर से गाड़ी का खर्चा अलग। इस महीने भी सिर्फ 45,000 हुआ, 18,000 तेरी सैलरी, 20,000 गाड़ी का खर्चा निकालने के बाद भी सिर्फ 7,000 बचते, तूने तो कहा था 40,000 बचते और पिछले 2 महीने से ही हाल है बस। तो भाई मैंने अपने मालिक के लिए बोला था ना, वो 10 गाड़ियां उसके पास, एक खराब होती है दूसरी चलती है, एक का दूसरा पूरा कर देती है, उसका बच जाता है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो तुमने पूछा ही नहीं पहले, और मैंने बोला तो था मत पड़ो उन सब चक्कर में, फालतू की सरदर्दी है। मार्च के महीने में कुछ ही दिन और चलाई होगी मैंने गाड़ी, जब एक सुबह गाड़ी साफ करते हुए मनीष आया और 20 मार्च से गाड़ी खड़ी कर देना। गाड़ी खड़ी कर देना मतलब? तुम कोई और काम ढूंढ लो। क्यों? कैब के धंधे बहुत नुकसान हो रहा साहब, जैसा उसने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, 20 मार्च को गाड़ी उसके घर के नीचे आके खड़ी कर दी मैंने, चाबी उसके हाथ में रख दी मैंने, अब वो कैसा है कहाँ पर है मुझे नहीं पता। पता नहीं है या फिर बताना नहीं चाहता? साहब कैसी बात कर रहे हो, मैंने सब बता तो दिया आपको। पर तूने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि मनीष ने तेरे साथ मिलकर सुप्रिया और असद को मारने का प्लान बनाया था और उसके बाद मार डाला दोनों को। मारने का प्लान? साहब ये क्या कह रहे हैं आप, मनीष ने कुछ कर दिया क्या? दो दो मर्डर करके फरार है मनीष सोलंकी,
और एक तू ही है जो सबसे ज्यादा उसके साथ टच में था, तेरी बातचीत होती थी सबसे ज्यादा उसके साथ। दोस्ती यारी में आके तू भी उसके प्लान में शामिल हो गया होगा और मार दिया होगा दोनों। साहब मनीष के साथ मेरी अच्छी जान पहचान थी ये बात सही है, लेकिन उतनी ही बात सही है 20 मार्च को उसके यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं उससे नहीं मिला, मैंने नई ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली। आप लेजर चेक कर लो वहां जाकर, मैं और क्या बताऊं आपको। ये केस दिन पे दिन घूमते जा रहा है, इसका कोई एंड ही समझ नहीं आ रहा। सर अभी तक तो ऐसा लग रहा था ये सब कुछ मनीष का किया था, उसी ने असद को मारने की सुपारी निकलवाई और उसके बाद अपने घर वालों से जितने पैसे हो सके वो लेकर फरार हो गया। अगर सुपारी निकली है तो किसी ने तो उठाई होगी, हम ऐसी थ्योरीज पे काम नहीं कर सकते, पुख्ता चाहिए हमें। सिंह सोनू और बाकी खबरियों को बोलो कि मुझे जल्द से जल्द सुपारी उठाने वाले का नाम चाहिए। किसने दी सुपारी? सब सच में बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। नहीं मैडम, मत मारिए। तुम में से ही किसी ने उनका काम तमाम किया और अब यहाँ के नाटक कर रहे हो। हाँ सोनू बोल, नाम मिला? नाम भी मिला और पता भी। साहब लगता है इस बार अपना काम हो जाएगा। जल्दी बोल। पिंटू यार, लड़की लोग की माफिक धीरे धीरे हाथ चला रहा है, थोड़ा दम लगा। खाना वाना खाया कि नहीं तूने? अबे रुक क्यों गया, साफ सुन गया तेरे को? ए रंगीले, पिंटू को छोड़, चल हमारे साथ जेल, तेरी मालिश का इंतजाम करके रखा है। सब सब बात क्या हुआ? अरे साहब मैं सच बता रहा हूं, मुझे सुपारी के लिए बोला था पर मैंने सुपारी नहीं उठाई। तूने कहा और हमने मान लिया, सुपारी उठाने में तू नंबर वन है, तुझे लगता है तेरी इस कहानी पे भरोसा कर लेंगे हम? अरे साहब मेरी बात तो सुनो, मैंने सुपारी के लिए मना किया क्योंकि पैसा बहुत कम था। एक मटर तो हुए, अगर सुपारी तूने नहीं उठाई तो फिर किसने उठाई? अब मुझे क्या पता, पर मैंने कुछ नहीं किया। अरे जिसने सुपारी दी थी उससे पूछो ना आप। मनीष सोलंकी, ये नाम है उसका? पता नहीं साहब, नाम तो मैंने ये पहली बार सुना। साले नाटक करता है, कहां छुपा है मनीष? साहब मैं सच बता रहा हूं, मुझे किसी मनीष सोलंकी ने सुपारी नहीं दी। तो फिर किसने दी? ये साला मनीष खुद तो निकल गया, हमें फंसा गया। हाँ यार बस एक बार हाथ आ जाए तो बताता उसे। चुप कर यार, जान पे बनी हुई है, दीवारों के भी कान होते हैं, पता नहीं किस बात पर कब पुलिस फिर से उठा के ले जाए। इतने दिनों से ड्रामा कर रहे थे हमारे सामने, अब बताओ अकेले किया? हाँ साहब यही है। चला बोलना शुरू कर दे। अगर तेरे इस ड्रामे की वजह से मेरा सर घूम गया ना तो बेटा बोलने के लायक नहीं बचेगा तू। सुप्रिया ने हमारे परिवार की नाक काटने की ठान ली थी, इसलिए उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। और उसका जुर्म यह था कि उसका एक लड़के के साथ अफेयर था, किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ अफेयर था, इसलिए मरवा दिया दोनों को। चल पे। अब बता क्या क्या हुआ था, डिटेल में सब कुछ। छुट्टियों में सुप्रिया राजकोट आई हुई थी और फिर एक दिन सुप्रिया, अपना फोन देना सर, फोन की बैटरी खराब हो गई है, चार्ज ही नहीं हो रहा। घर
मेरा बस चलता तो मैं उसी वक्त असद की जान ले लेता, लेकिन इन सब में वो अकेला नहीं था, सुप्रिया भी उसके साथ थी। मैं कुछ भी बोलता या कुछ भी करता तो सारी बात बिगड़ जाती, बदनामी होती, लोगों को पता चलता, इसलिए मैंने चुप ही रहना सही समझा। आखिर गलती तो मेरी बहन की थी ना। सुप्रिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अगले दिन काम का बहाना बना के मैं अहमदाबाद आया और असद के बारे में पता करने लगा। असद का रूटीन पता करने के बाद उसे सिर्फ मारना बाकी था। इसके लिए मुझे ऐसे आदमी की जरूरत थी जो एक काम धंधे की तरह करता हो। राजू रंगीला, कैसे पहुंचा उस तक? मैं अक्सर ऊपर की कमाई करने के लिए बैटिंग किया करता था और राजू रंगीला के जरिए मैंने अक्सर कई बार बैटिंग की थी। वहीं से उसे जानने लगा और उसके काम को भी, और असद को मारने के लिए मुझे राजू रंगीला से बेहतर आदमी नहीं मिल सकता था, इसलिए उसे कॉन्टेक्ट किया। एक लाख लगेगा, लास्ट तक किसी को नहीं मिलेगी। भाई मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए। ए क्या मच्छी मार्केट आया जो मोल भाव कर रहा है? 1 लाख मतलब 1 लाख, उससे नीचे 1 रुपया नहीं। करना है तो बोल वरना निकल यहां से। राजू को देने के लिए 1 लाख रुपए नहीं थे मेरे पास, लेकिन मैं इस काम को ज्यादा देर तक टाल भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने खुद असद को मारने का प्लान बनाया। असद को मारने का प्लान तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसे अंजाम देने के लिए सही समय मुझे नहीं मिल रहा था, और उधर सुप्रिया की छुट्टियां भी खत्म हो रही थी और मैं दोबारा सुप्रिया को असद से मिलने नहीं दे सकता था। ये सुप्रिया जब अहमदाबाद जाने के लिए निकली तो मैं भी राजकोट से अहमदाबाद के लिए निकल गया। मैं उसकी बस के पीछे ही था। मैंने उसी दिन असद को मारने की ठान ली थी, पर कुछ और ही हुआ। जब मैंने सुप्रिया को अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में उतरते हुए देखा, मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर मेरी नज़र असद पर पड़ी जो कि शायद उसे लेने आया था, और सुप्रिया असद के साथ हाईवे से अंदर जंगल की तरफ चली गई। मैं भी गाड़ी साइड में लगा के उनके पीछे गया, जहां वो दोनों क्या वो दोनों? जरा से भी शर्म नहीं बची थी उन दोनों में, वो दोनों जंगल में ही। मारने के बाद मैंने कट्टा और उन दोनों के मोबाइल नहर में फेंक दिए और राजकोट आ गया, और फिर घर आके ऐसे ड्रामा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रिया को मारने का प्लान पहले से था या फिर गलती से मारी गई? असद को मारने के बाद मैं सुप्रिया को भी मार डालता, क्योंकि मैं सुप्रिया को अच्छी तरह से जानता था। बहुत जिद्दी थी वो, मैं उसे कितना भी समझाता लेकिन वो असद को नहीं भूल पाती, बात का पतंगड़ बनाती, और जिस बात को मैं दबाना चाहता था वो उस बात को सारे जहान में गा देती। और अगर मैं दोनों को नहीं मारता तो मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह जानता हूं। सुप्रिया उनकी कमजोरी थी, वो कुछ भी करके पिताजी को मना लेती, और उसके बाद हमारा समाज में उठना बैठना सब बंद हो जाता। ये सबसे मनीष का क्या ताल्लुक है? पता नहीं, उससे तो मैं जानता भी नहीं था। वो तो जब आप लोगों ने कहा कि मनीष और सुप्रिया का कुछ चल रहा है तो मैं भी वही खेल खेलने लगा। मैंने भी कहा कि हाँ मनीष ने ही सुप्रिया को मारा। इसीलिए तूने हमारे खबरी को फोन किया हमें गुमराह करने के? किसने थी सुपारी? लड़की के आशिक मनीष सोलंकी ने, लड़की चाहिए थी। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो। पुलिस का शक मनीष पे और ज्यादा बढ़ गया। तेरी इसी होशियारी ने हमें तुझ तक पहुंचाया। सुपारी किलर को ढूंढते हुए हम राजू रंगीला तक पहुंचे और उसके जरिए तुझ तक। क्या कहा था तूने कि तेरी बहन सुप्रिया ने तेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी? ये जो दो दो खून किए तूने, क्या लगता है तुझे कि तूने अपने परिवार का नाम बहुत रोशन कर दिया है? बहुत ही घटिया सोच है तेरी, विकृत। तेरे जैसे लोगों को तो जेल में ही होना चाहिए, सारा तुम जैसे लोगों को समाज में सही तरीके से रहना आता ही नहीं। जहां मनीष को सस्पेक्ट मानकर पुलिस सुप्रिया और असद की मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सॉल्व करने में जुटी थी, वहीं जब सच्चाई सामने आई तो इससे कहीं अलग और चौंकाने वाली बात थी। तो सवाल यह उठता था कि आखिर मनीष है कहां? अगर मनीष का सुप्रिया और असद के मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर किस चीज से भाग रहा है वो? उसका 10 लाख रुपए मांगना, झूठ बोलना, अलग अलग एटीएम से पैसे निकालना, आखिर किस कांड में फंसा हुआ है वो? सर मनीष की फैमिली की माने तो मनीष आरोपी नहीं,
विक्टिम है। हमें इस केस को एक अलग नजरिए से देखना होगा। मनीष से जुड़ी हुई एक एक डिटेल्स बारीकी से पढ़ो, एक एक छोटी छोटी चीज, कोई ना कोई सबूत, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। मैं कह रही थी ना आपसे, मेरा मनीष कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता, लेकिन आप सब उसे गलत मान बैठे थे, उसे कभी क्रिमिनल, कभी खूनी, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो फिर मनीष है कहां? अभी भी वक्त है, कुछ कीजिए ना, मेरे बेटे को बचा लीजिए ना। सर, 4 जून की शाम तक मनीष का फोन लोकेशन उसका रूम में था, और उसके बाद उसका फोन यहाँ भोपाल में दिखा, जहाँ वो देर रात तक ऑन रहा, जहाँ से उसने अपने माँ बाप, अपनी दीदी, जीजा, अपने दोनों दोस्त सलील और वैभव, इन सबको कॉल्स किए, और सुबह तकरीबन 4 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और फिर उसके अगले 2 दिन यानी 5 और 6 जून को उसका फोन ऑन ऑफ होता रहता है। सर यही तो अजीब बात है, 4 से 6 जून के बीच फोन की लोकेशन भोपाल ही थी, वो कहीं पर भी गया हो आता तो यही पर आता, उसका फोन भी स्विच ऑफ इसी एरिया में हुआ, उसका लास्ट लोकेशन भी भोपाल ही था। मनीष यहाँ भोपाल में कर क्या रहा था? मनीष के माँ बाप और उसके दोस्तों का तो यही कहना है कि इस एरिया में उसकी जान पहचान का कोई नहीं था। सर एक और अजीब बात है। क्या? जिन 4 ATM से पैसे निकाले गए थे यानी 5 जून को ओधव और कालूपुर, और 6 जून को चांदखेड़ा और जुहापुरा, और हर दिन स्टार्ट एंड एंड पॉइंट भोपाल ही है। ये 4 ATMs भोपाल से काफी दूर है, भोपाल से उसके आसपास के इलाकों में भी कई ATMs हैं, तो फिर उसे भोपाल से इतनी दूर जाकर पैसे निकालने की क्या जरूरत थी? सर हो सकता है मनीष किसी और की नजरों से बचना चाह रहा हूं। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि इन 4 ATM की लोकेशन हमारा ध्यान भटकाने के लिए चुनी गई, ताकि हमारा ध्यान इन ATM की लोकेशन पर रहे और मेन लोकेशन भोपाल पर हमारा ध्यान ही ना जाए। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि मनीष यहाँ भोपाल में ही बैठकर गेम खेल रहा था। इस केस को लेकर हमें जो भी मिलेगा वो यही मिलेगा। लेकिन सर भोपाल तो काफी बड़ा इलाका, वहां पे कुछ ढूंढना ऐसा है जैसे कि भूसे में सुई को ढूंढना। काम मुश्किल तो है, लेकिन इस केस की गुत्थी यही सुलझेगी सर, यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो इस केस के लिए अहम है। पुलिस बड़े स्तर पर मनीष की खोज में लगी हुई थी, मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली ही थे। कई कोशिशों के बाद भी पुलिस को मनीष के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन इन कोशिशों ने शांत पड़े तालाब के पानी में एक हलचल पैदा की थी, और यही हलचल पुलिस को इस केस के किनारे तक ले जाने वाली थी। चाचा एक चाय कड़क। हाँ पानी कम। ठीक है बबन, ये मिला के तेरे पुराने हिसाब के 1128 रुपए हो गए। चाचा ये रखो, बाकी एडवांस में जोड़ लेना। बड़े पैसे आ गए हैं तेरे पास बब्बन, कोई लॉटरी वोटरी लगी है क्या? लॉटरी मेरी नहीं, विकास की लगी है, उसी से उधार लिया है। उस फुक्कड़ विकास की लॉटरी लगी है? कहाँ चला गया वो? पिछले 2 हफ्तों से मुंबई गया। फैक्ट्री का काम का छोड़ दिया क्या? वो सब तो पता नहीं, पर हाँ उसके हाथ में गहरी चोट लगी है, मजबूरन छुट्टी देनी पड़ी मालिक को। उस फटीचर विकास की तो नसीब ही खुल गई, लॉटरी भी लग गई और छुट्टी भी मिल गई। साहब यही भोपाल इलाके में रहता है, मैंने पता किया, कल तक तो उसको खाने के लाले थे, अब आज काम धंधा छोड़कर मुंबई में घूम रहा है विकास, और उसके इलाके में लोग बता रहे हैं कि एक महंगा वाला टीवी भी लिया। उसकी औकात नहीं है साहब ये सब करने की, भोपाल में एक फैक्ट्री में काम करता है, वहाँ पता किया तो पता चला कि काम पर ही नहीं आ रहे, कुछ चोट वोट लगी उसको 4-5 तारीख के आसपास। इस विकास का मनीष से क्या कनेक्शन है? ये तो पता नहीं है सर, मनीष गायब हुआ 4 तारीख को और उसी के आसपास ये विकास भी बाहर, ऊपर से लॉटरी भी लगी, अंधेरे में तीर है साहब, अभी आप देख लो कि ये तीर आपके निशाने पर है या नहीं। इस विकास का नंबर दे मुझे। सर विकास का फोन फिलहाल अनरीचेबल है, लेकिन उसका फोन लोकेशन रिकॉर्ड एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा है। सर विकास का फोन 4 से 6 जून के बीच भोपाल में था। इतना ही नहीं सर, जब मनीष का फोन लोकेशन ओधव, जुहापुरा, कालूपुरा और चांदखेड़ा के ATM के पास था, इस विकास का भी सेम था, ठीक उस टाइम पर जब ATM से पैसे निकाले गए। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि मनीष की जगह पर विकास गया हो पैसे निकालने ATM से, या फिर ये विकास भी मनीष के साथ हो। सर खबरी राजन के हिसाब से इस विकास की कदकाठी मनीष से काफी मिलती, लेकिन सर हमारे काम की बात ये नंबर
इस नंबर पे विकास रेगुलर टच में था। ये बहुत शातिर समझता है अपने आप। ये शुरू से ही मनीष के करीब था, अब मनीष तक हमें यही पहुंचाएगा। अठारह साल है पैसे विकास ने निकाले थे ये भी पता है हमें। अब तू ये पता मनीष कहाँ है और वो छिपा हुआ क्यों है? तब मैं गुजरात में पैसे कमाने आया था यूपी से। मेरे को अपनी टैक्सी खरीदनी थी, कारोबार जमाना था मेरे को यहाँ पर, और ड्राइविंग करके गुजारा हो नहीं पा रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। जब मनीष से मिला और कुछ दिनों बाद उसने गाड़ी खरीद ली, मैं गाड़ी चलाने लगा। मुझे पता था साहब इसको धंधे के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैं धंधे में थोड़ा हेर फेर करने लगा। कभी गाड़ी की मरम्मत के बहाने, कभी उसका डीजल बेचकर मैं हेरफेर करने लगा पैसों का। मेरे को लगा मैंने इसको पता नहीं चलेगा, पर एक दो महीने बाद उसे सब पता चल गया और फिर उसने नौकरी से निकाल दिया मेरे को। ध्रुव 20 मार्च से गाड़ी यहीं खड़ी कर देना। गाड़ी खड़ी कर देना मतलब? तुम कोई और काम ढूंढ लो। सब पैसे कुछ बहुत जरूरत थी मेरे को, और मनीष ही दे सकता था मेरे को पैसे। मेरे को लगा इसके पास पैसे हैं, फिर मैंने उसका किडनैपिंग करके फिरौती मांगने का प्लान बनाया। मैं अकेला ना कर पाता ये काम, तो मैंने विकास को पूछा, उसको भी पैसे की जरूरत थी। सब मनीष ने नौकरी से जरूर निकाल दिया था मेरे को, पर आते जाते मेरी मुलाकात होती रहती थी उससे, तो किडनैप करना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, बस झांसा देना था कैसे भी करके। अरे चलो ना तुम भी, बर्थडे दोस्त का, पार्टी वार्टी करेंगे। तेरे दोस्त को मैं थोड़ी जानता हूँ, मैं क्या करूंगा वहां के? अरे तो बैठोगे ना यहाँ पर, वहां चल के बैठ लेना। मैं विकास की बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर मनीष को भोपाल ले आया विकास के घर पर। मगर भिखारी निकले सबके सब, सालों के पास पैसे ही नहीं थे। उसके जीजा से कैसे भी करके 130,000 रुपए का जुगाड़ हो पाया, जो उसने मनीष के अकाउंट में अगले दिन डाले, और मनीष के अकाउंट में पहले से ही थे कुछ 20,000 रुपए, तो कुल मिलाकर हमारे पास कुछ 1.5 लाख रुपए बन रहा था। हमने सोचा कि जो मिल रहा ले लेते हैं उससे, नहीं तो इतनी मेहनत की है वो भी बर्बाद जाएगी। और इसकी जीजा ने पैसे भेज दिए। ले सी गाड़ी चाबी, ले एटीएम, निकाल लेना पैसे। हाँ सुन, फोन पे ले जा, और ये हुडी पहन के जाना इसकी, वो एटीएम के कैमरे में शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। इसे मुंह झुका कर पैसे निकालना। पैसे लेने के बाद मनीष का क्या किया तूने? कहाँ है वो? विकास बोल रहा था इसे मार के फेंक देते हैं, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुझे डर लग रहा था साहब, पर जो होना होता है वो होकर ही रहता है। मनीष की लाश का क्या किया तूने? हमने उसकी लाश को पास के जंगल में ले जाकर दफना दी। मनीष की कार को एक सुनसान जगह पर पार्क करके निकल गए। मनीष से जो 1.5 लाख रुपए मिले वो हमने आपस में बांट लिए। अगर मेरे को पता होता ना साहब कि मनीष के पास पैसा नहीं, मैं कभी नहीं करता साहब ये, सच बता रहा हूं साहब, गलती से हो गया। तेरे इस लालच की वजह से एक नौजवान लड़के की जान चली गई, और वो भी उसकी जिसने नौकरी दी थी तुझे, भरोसा करता था तुझ पर, और तू ये गलतफहमी का नाटक कर रहा है। अगर मनीष की जगह कोई और होता ना उसके साथ में, तू यही करता, क्योंकि तेरी फितरत में ही धोखा है। तेरे जैसे लोगों की वजह से लोगों का इंसानियत में से भरोसा उठ गया है। विकास के वापस लौटते ही पुलिस ने उसे भी मनीष की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस को विकास के घर से वो सारे सबूत मिले जो मनीष की दर्दनाक हत्या को बयां कर रहे थे। जहां एक तरफ मनीष के परिवार वालों को यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि किसी और के लालच के अंधेपन की वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी,
वहीं किशोर को यह यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनके अपने बेटे सतीश के अंदर भरे जहर की वजह से उनकी बेटी सुप्रिया उनसे दूर हो गई थी। और तीसरी ओर सतीश की दकियानूसी सोच के कारण असद के परिवार ने अपनी इकलौती उम्मीद अपना बेटा खो दिया था। सतीश को धारा 302 के तहत असद और सुप्रिया की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और मनीष की किडनैपिंग और हत्या के जुर्म में ध्रुव और विकास पर भी कार्यवाही की गई। ये केस जो कॉलेज जाने वाले एक साधारण से लड़के मनीष सोलंकी की मिसिंग रिपोर्ट से शुरू हुआ था, अंत तक कई घटिया इरादों और जुर्म का पर्दाफाश कर चुका था। सतीश की रूढ़िवादी सोच के कारण सुप्रिया और असद की प्रेम कहानी को एक दर्दनाक अंत मिला और वहीं दूसरी ओर ध्रुव के लालच के कारण मनीष जैसा होनहार युवक अपनी जान गंवा बैठा। जहां एक तरफ धर्म के नाम पर भेदभाव की वजह से दो मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, वहीं दूसरी तरफ किसी की लोभ और मक्कारी की वजह से एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। सतीश और सुप्रिया के बीच जो हुआ वो हमारे समाज की एक घिनौनी सच्चाई है, लेकिन ध्रुव ने जो मनीष के साथ किया दुर्भाग्यवश वो भी समाज की सच्चाई ही है। ध्रुव ने मनीष के सीधे सरल स्वभाव और उसके भरोसे का फायदा उठाकर उसे घातक धोखा दिया था। मानव जाति शुरुआत से ही सामाजिक प्रवृत्ति की रही है और अगर ऐसे में समाज को जोड़कर रखने वाला तत्व भरोसा ही मिट जाए तो भविष्य में विनाश निश्चित है। इसीलिए ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है कि हम सभी अपने अंदर झांक कर देखें और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।